युवाओं में भारी जोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नीतियों से युवा पूरी तरह से प्रभावित हैं। निश्चित रूप से युवा वर्ग श्रीनैना देवी क्षेत्र में इस बार कमल का फूल खिलाएंगे और यहां से भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा की जीत होगी। यह बात श्रीनैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में अपने जनसंपर्क अभियान के तहत समाज सेवी हरीश नड्डा ने कहा। हरीश नड्डा ने कहा कि आज श्रीनैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में बस्सी श्रीनैना देवी शहर और स्वारघाट में जनसंपर्क अभियान के तहत नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। हरीश नड्डा ने कहा कि युवा वर्ग के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने कई तरह की नीतियां बनाई हैं और आने वाले समय में अगर भाजपा की सरकार प्रदेश में सत्तारूढ़ होती है तो युवा वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा युवा वर्ग की बात करते हैं, इसीलिए युवा वर्ग में भाजपा के प्रति भारी उत्साह नजर आ रहा है। निश्चित रूप से यहां से रणधीर शर्मा विजयी होंगे। इस मौके पर उनके साथ भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी मौजूद रही। कर चुकी हूँ और जब से मैं बिलासपुर आई हूँ यहाँ की पांचों विधानसभाओं में मेरा जाना हो रहा है तो हर विधानसभा में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है कि युवाओं का जो मन है वो इस बार बन चुका है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश के अंदर काम हुए हैं, युवाओं को रोज़गार दिया गया है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है कि उसको और आगे बढ़ाना है और एक बार फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनानी है क्योंकि उसकी ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस सरकार की जो एक मिथक यहाँ बना हुआ था उसके कारण जो युवाओं की ग्रोथ है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। तो जिस भी विधानसभा में मैं जा रही हूँ एक बात जो बिल्कुल एक तरफा उभर के आ रही है कि युवाओं ने और महिलाओं ने इन्होंने अपना मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश की ज़रूरत है और मोदी जी जो एक विकास की गति वहाँ दिल्ली से तय करते हैं वो यहाँ पर वो गति तभी और तेज़ी से चलेगी जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो मैं तो अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ की युवा शक्ति को कि उन्होंने अपना मन बना लिया है और एक जो मोदी जी के नाम की आंधी चल रही है पूरे देश में वो हिमाचल प्रदेश में उससे पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। काफ़ी जगह चुनाव संबंधित रैलियां करने का अवसर मिल रहा है और बहुत खुशी के साथ बताने का मुझे अवसर मिल रहा है कि बहुत अच्छा जोश है युवाओं में और युवाओं ने इस बार तय कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने वाले हैं। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि उन्होंने पूरा भरोसा इस पार्टी पर रखना है। इस पार्टी ने हमेशा उनके हित की सोची है और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आदरणीय रणधीर जी ने निरंतर युवाओं के बारे में चर्चा करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मुझसे भी बहुत बार उनकी बात होती है तो उनके साथ मिलके मुझे पूरा विश्वास है कि मैं युवाओं के लिए, नैना देवी के युवाओं के लिए बहुत अहम भूमिका में कुछ करने का प्रयास करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार रणधीर जी भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से उम्मीदवार हैं यहाँ से जीत के विधायक बनेंगे और यहाँ के युवाओं के लिए और सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी और यहाँ का जो विकास केंद्र सरकार द्वारा और हमारी जो राज्य सरकार है उसके द्वारा हो रहा है उसमें और गति आएगी जब यहाँ से विधायक भी अपने होंगे। इसलिए मैं रणधीर जी को पहले ही बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो भारी मतों से जीतने वाले हैं और सभी युवा साथियों का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और उनसे आग्रह है कि वो इस अहम भूमिका निभाएं और रणधीर जी के जो विषय हैं, जो बातें हैं, जो युवाओं के कार्यक्रम हैं जो सरकार द्वारा चलाए गए हैं उनको जन जन तक पहुँचाएँ और सभी युवाओं को इसके बारे में जागरूक भी करें। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए श्रीनैना देवी जी से गौतम की रिपोर्ट।